अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद आपको हम कहते हैं प्रोग्राम वॉक योर टॉक। और फॉर्मेट जो है हमने थोड़ा सा चेंज किया था दो तीन हफ्तों से, और वो ये हम कर रहे थे कि आपके लिए जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पूरा हफ्ता होते रहते हैं उनके छोटे छोटे क्लिप्स हम लेके आते थे, और फिर मिसरा शाहिद जो मेरी को होस्ट हैं, आज भी मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं, उनके साथ हम डिस्कस करते थे अपने जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को, और उनमें से हम कुछ क्लिप्स लेते थे और फिर उनकी नौइयत के एतबार से हम बात करते थे। और मकसद उसका यह था कि आपको हम इंट्रोड्यूस कर सकें कि इस वक्त हमारे विलिंग बेस फेसबुक पेज पे कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं। मगर आपको याद होगा कि तकरीबन दो तीन हफ्ते पहले हमारे साथ लंदन से एक हमारी जो प्रोग्राम को बहुत पसंद करती थी मिस, वो भी तशरीफ़ लाई थी और उनका भी हमने इंटरव्यू किया था। आज हमने सोचा कि यकसानियत को बदलने के लिए, ब्रेक करने के लिए हम अपने स्टूडियोज़ में दावत दे रहे हैं ताहा सदाकत को, जो कि CEO हैं विलिंग बेस के। और जैसे जैसे हम इनसे बातचीत करेंगे आपको पता चलेगा कि ये क्या क्या करते हैं और आज यहाँ पर इनको मधु करने का मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू बहुत, और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ताहा, इससे पहले कि जो है हम जो है मज़ीद प्लेजेंट्रीज़ में जाएँ, थोड़ा सा तारुफ तो मैंने आपको करा दिया, मगर नाज़रीन बड़े हैरान हो रहे होंगे कि डॉक्टर सदाकत अली को तो जानते हैं एज़ CEO विलिंग वेज, तो ये जो है ताहा सदाकत जो हैं ये भी CEO विलिंग वेज हैं और इनसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। तो हम तकरीबन जो है जनवरी से हमारे विलिंग वेज का ये जो फेसबुक पेज है इस पर हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो ताहा सदाकत कहाँ थे? तो हमें थोड़ा सा नाज़रीन को ये बताइए कि आप गो के, ये तो बात दुरुस्त है कि यू आर द CEO ऑफ विलिंग वेज, मगर आप आम तौर पे नज़र इतना ज़्यादा क्यों नहीं आते, आप कहाँ पसे पुश्त रहते हैं? एक्चुअली मैं बहुत सालों से विलिंग वेज के साथ एसोसिएटेड हूँ। आई थिंक ऑफिशियली मैंने 2009 में ज्वाइन किया था जी, और तब से मैं काम कर रहा था। और मैं साइड बाय साइड हमेशा से ही, एक्चुअली शुरू से ही जब से मेरे करियर शुरू किया था, तो मैं आर्टिस्ट मैनेजमेंट की फील्ड में इन्वॉल्व था। और पहले चूँकि काम थोड़ा कम था, यहाँ पे भी मसरूफियत ज़्यादा रहती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने उस फील्ड में थोड़ा सा काम बढ़ता गया। तो पिछले एक डेढ़ साल में एक्चुअली मैंने काफ़ी दो तीन बड़े नामों को साइन किया अपने साथ अपनी कंपनी के लिए, तो उस वजह से फिर मेरी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़रा कम होती गई, क्योंकि अब मेरी काम में ट्रैवल बहुत ज़्यादा आ चुका है, इन पाकिस्तान में भी, आउटसाइड पाकिस्तान में भी, छोटे ट्रैवल्स या बड़े ट्रिप्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती रही, तो मेरी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट अब यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई, इसलिए मैं यहाँ पे कम नज़र आता हूँ। अच्छा, ये तो आपने हमें बता दिया, अब हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं जी। मुझे पता है यू वर इन क्रेसेंट स्कूल जी, बिल्कुल। क्रेसेंट स्कूल से बाद में आप GC में चले गए, बिल्कुल। और GC का अपना कुछ दौर का बताएं, हाउ वाज योर स्टे इन GC व्हेन यू वर स्टडिंग देयर, हाउ वाज द होल थिंग, बिकॉज आई वांट टू कनेक्ट इट कि किस तरह से आप यहाँ पे विलिंग वेज में भी थे, फिर आर्टिस्ट मैनेजमेंट, और फिर हम आएंगे कि आजकल क्या कर रहे हैं, मगर सबसे पहले हम वापस GC में जाते हैं कि वहाँ पर आपका जो टाइम पीरियड था, बिकॉज इट्स अ वेरी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, तो आपका वहाँ पे कैसा टाइम, और मेरा ख्याल है आपके फादर जो थे ही वाज आल्सो जी, बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट कॉलेज एक्चुअली ख़ास तौर पे उस टाइम पे, आज से 15-16 साल पहले जिस वक्त की बात है, उस वक्त तो मैं यानी हाई स्कूल के बाद आपकी पहली ऑप्शन हर किसी के लिए यही होती थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाए। उसके बाद ए लेवल्स, ओ लेवल्स का ट्रेंड थोड़ा सा बढ़ गया, तो अब और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स आ गए जहाँ पे लोग जाना प्रेफर करते हैं जी। पर उस वक्त तो 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस वक्त मैंने हाई स्कूल ख़त्म किया था, तो गवर्नमेंट कॉलेज वॉज द फर्स्ट ऑप्शन हर एक के लिए, और जो लकी समझे जाते थे वो 400-500 लोग जिनको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता था। तो वहाँ से शुरू हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज में जाना, और गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने में, आपको सोशली कैसे मूव करना है, इसमें मेरे स्कूल से बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज का हाथ था स्कूल में, बल्कि स्कूल एक और तरीके से काफ़ी हेल्पफुल था कि वहाँ पे
बहुत ज्यादा मेहनत करना सिखाते थे, बहुत ज्यादा पढ़ाई और इन चीजों पे ध्यान रहता था, लेकिन को करिकुलर्स की तरफ इतना नहीं था। जो गवर्नमेंट कॉलेज आकर फिर मैंने इंटर के बाद फिर बैचलर्स में और फिर मास्टर्स तक आते आते काफी कुछ में स्टूडेंट सोसाइटीज का प्रेसिडेंट था, सीनियर्स क्लब में था, अच्छा। और काफी ऐसी जो मेन चीजें आप कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, कुछ टाइम के लिए डिबेट भी की थी, तो बहुत इवेंट ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअली वहां से करनी शुरू की थी, जिससे जो फिर मेरे करियर का इतना बड़ा हिस्सा बन गई उसके बाद। तो इसमें गवर्नमेंट कॉलेज का और गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ दो तीन ऐसे इम्पोर्टेंट लोगों का बहुत रोल था जिनसे मैंने बहुत सीखा था। मिस हिरा, यू वुड लाइक टू आस्क हिम एनीथिंग? No, sir, go ahead, I will. Okay. मुझे ये जहन में आ रहा था कि आपने डिबेट्स का जिक्र किया जी, और मुझे ये भी पता है कि एक दौर में एक्सप्रेस टीवी में इंग्लिश चैनल जब लॉन्च हुआ तो आप वहाँ पे खबरें पढ़ने चले गए जी। How was that? ये भी मैंने किया था बिल्कुल कुछ अर्सा, मज़े का एक्सपीरियंस था, वो भी एक लर्निंग थी, ऑन स्क्रीन रहना जहाँ पे आपके पाँव बिजी हैं न्यूज़ वो करने में, आप स्क्रीन से देख के पढ़ रहे हैं, बहुत अटेंटिव रह के आपको वो करना होता है, वो अच्छा एक्सपीरियंस था। उसमें मैंने बल्कि कुछ रिपोर्टिंग भी की थी कुछ टाइम के लिए, तो उस वो तीन चार मंथ्स का पीरियड था जो मैंने वहाँ पर, फोर मंथ्स का मैंने काम किया था वहाँ पर, तो बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। और अभी ये जो सियासी सीन चल रहा है पाकिस्तान का, बड़ा गर्मा गर्म चल रहा है, अभी इलेक्शंस भी हुए हैं, डू यू टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स? पहले थोड़े ज़्यादा लेता था, अब थोड़ी सी कम हो गई है इंटरेस्ट, क्योंकि कई कई चीज़ें जो है वो जिन पे मुझे ज़्यादा पहले लगता था कि बेहतरी की तरफ जा रही हैं, होप्स थी, वो या तो शायद मैं मसरूफ़ ज़्यादा हो गया हूँ या फिर लोगों ने डिलीवर नहीं किया, दोनों में से कोई एक ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से मेरी दिलचस्पी कम। आपके लिए हमने ग्रीन टी मंगवाई है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। तो वो उस वजह से शायद थोड़ा सा दिलचस्पी अब कम हो गई, लेकिन फिर भी नॉलेज जरूर रहती है कि क्या चल रहा है क्या हो रहा है, लेकिन उतनी ज़्यादा दिलचस्पी अब नहीं रही जिस तरह पहले ली जाती थी। तो मुझे ऐसा याद पड़ रहा है कि आपने जी सी में भी कोई इलेक्शन वगैरह में हिस्सा लिया था। हाँ, जी सी की ओल्ड स्टूडेंट बॉडी के इलेक्शन होते हैं हर दो साल के बाद, तो वो इलेक्शन हुए थे हर दो साल बाद ही होते हैं, तो वो मैंने कुछ तीन दफ़ा लड़े थे जिसमें से दो दफ़ा तो मैं अनपोज्ड ही जीत गया था। अच्छा। तीसरी दफ़ा वोटिंग से जीता था, तीन दफ़ा के बाद फिर मैं बोर हो गया थोड़ा सा उस पर, तो अब वो उन्होंने मुझे फिर भी कहा था दोबारा, लेकिन अब पिछले दो इलेक्शन से मैं खुद ही उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा। 2012 में मैंने लास्ट लड़ा था इलेक्शन, तो फिर 14 और 16 के मैंने मिस कर दिए थे, लेकिन अब आगे देखते हैं शायद दोबारा कुछ। तो क्या होता है इन्वॉल्वमेंट, क्या होता है? वो ओल्ड स्टूडेंट्स की एक एसोसिएशन है, ओल्ड रावियंस यूनियन जिसको कहा जाता है, और ओल्ड रावियंस यूनियन जो करंट स्टूडेंट्स को बेसिकली फॉर्मर स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करती है, जो फॉर्मर स्टूडेंट्स जो कुछ सिखा सकते हैं करंट स्टूडेंट्स को, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बनाना और कुछ फंक्शंस ऑर्गेनाइज करना या कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे जो करेंटली जो लोग पढ़ रहे हैं उनको ये मौका मिल सके कि वो सीख सकें पुराने स्टूडेंट्स। राइट। अच्छा ये बताइए कि आपने, यू आर वेरी वेल ट्रेवल्ड, तो ये शौक जो है कहाँ से शुरू हुआ, जी सी मास्टर्स करने के बाद या उससे पहले भी शौक था? And then you have been to so many places. We will discuss across the continents. कहाँ कहाँ आप गए और कैसे ये शौक? Traveling actually मुझे शौक ज़रूर था, लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि traveling for the sake of traveling करने का मौका मुझे बहुत कम मिलता है। ये ज़्यादातर work related trips होते हैं, ज़्यादातर क्या आप समझ लें 90-95% trips सारे जो हैं वो काम से related होते हैं। तो लेकिन होता ही है कि जब मैं काम से मुताल्लिक किसी ट्रिप पर जाता हूँ तो दो तीन दिन एक्स्ट्रा निकाल के उसकी सराउंडिंग में कहीं ना कहीं चला जाता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ। लेकिन यानी ट्रिप्स जो है वो जनरेट हमेशा वर्क की वजह से होते हैं, लेकिन अगर अब मैं यूरोप गया हूँ किसी काम के लिए तो मैं दो दिन या तीन दिन निकाल के किसी और यूरोपियन कंट्री में चला गया और वहाँ देख लिया, तो इस तरह से होता है। तो शुरू में शौक हमेशा से था, लेकिन जाना मुझे वर्क ट्रिप्स पे ही पड़ा हमेशा, और वर्क ट्रिप्स के साथ साथ फिर मैंने बहुत सारी दुनिया जगहों को एक्सप्लोर भी किया और बहुत सारे कंट्रीज में जाने का मौका मिला, बहुत कुछ। आई थिंक इससे ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस कोई हो ही नहीं सकता जो दुनिया में आप डिफरेंट कंट्रीज में जाके सीखते हैं। इससे ये चीज़ वो है जो आप किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सीख सकते, जो कोई बंदा आपको अपने एक्सपीरियंसिस से नहीं सिखा सकता, जो कि आप खुद
सीख सकते हैं। मतलब मैंने यूरोप के अंदर रोड ट्रिप्स भी किए हुए हैं, ट्रेन पे भी किए हुए हैं, अमेरिका के अंदर लंबे रोड ट्रिप्स किए हैं ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट, और इन आप कैसे कैसे शहरों के बदलने के साथ साथ कल्चर्स बदलते हैं, लोगों की कम्युनिकेशन बदलती है, लोगों के तौर तरीके बदलते हैं, उनका पहनावा, उनके खाने, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ इतनी एक एक शहर बदलने से ये बदलती हैं। और ना सिर्फ बाहर बल्कि पाकिस्तान में भी मैंने बहुत शहर देखे हैं। पाकिस्तान में भी मैं बहुत छोटे छोटे शहरों में भी गया हूँ, हर सूबे में गया हूँ। मतलब मेरी काम की नौीयत ऐसी है कि मुझे कहीं पे भी जाना पड़ सकता है उसके लिए, और मैं जाता हूँ। और मैंने बहुत पाकिस्तान, ये एक अलग टॉपिक है, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गया हूँ और बाहर कहाँ गया हूँ, पाकिस्तान भी मैंने बहुत ज़्यादा देखा। चलिए, मैं तो यही पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बिकॉज यू नो एट टाइम्स वी फील के यू आर बॉर्न इन एन एफ्लुएंट फैमिली और कम्फर्टेबल फैमिली, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, छोटे शहरों में भी कई दफ़ा वैसी फैसिलिटीज़ नहीं होती जी। तो काम के लिए वहाँ पे आप ज़ाहिर गए होंगे, सो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? जो जगह जैसी होती है आई थिंक उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। कई ऐसे ट्रिप्स होते हैं जो बहुत लैविश होते हैं हमारे और उसमें बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं, फिर कई ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं। तो आई थिंक मैंने हमेशा हर जगह के हिसाब से उसमें एडजस्ट किया। प्लस जब मैं छोटा था और दोस्तों के साथ ट्रैवल करता था टीनेज के अंदर, तो वो ऑब्वियसली बजट ट्रिप्स होते थे काफ़ी ज़्यादा, तो वो उस टाइम से एक आदत तो पड़ी हुई है कि एडजस्ट कर सकता है बंदा कहीं पे भी। तो अब वैसे मोस्टली जहाँ पे भी हम जाते हैं उस जगह के हिसाब से बेस्ट फैसिलिटीज़ ही मिलती हैं हमें। जैसे कुछ टाइम पहले हम सिब्बी गए थे, सिब्बी में एक गर्मी पड़ी होती है, सिब्बी में वो सर्दियों के अंदर गए थे, और सिब्बी में एक मेला होता है, कोई 700 साल से होता आ रहा है, एक एनुअल एक जानवरों का मेला होता है, जिसके साथ जिसकी साइड लाइन्स पे एक म्यूजिक प्रोग्राम होता है हमेशा वहाँ पे। तो उस ज़माने में वो कुछ और स्टाइल का होता था, वो बदलते बदलते कॉन्सर्ट की शक्ल में आ गया हुआ है, तो हर साल ये होता है। तो इस दफ़ा उसके लिए हम सिब्बी गए हुए थे, तो वो लैंड होते हैं सखर में, सखर से फिर 2 घंटे की ड्राइव से सिब्बी, और वहाँ पे फिर एक रात रहकर इवेंट करके अगले दिन फिर वहाँ से वापसी क्वेटा के थ्रू हुई थी। तो इस तरह बहुत ज़्यादा रोड ट्रैवल्स भी होते हैं, इंटीरियर सिंध, इंटीरियर केपीके में, बलूचिस्तान में, ये सब जगह बहुत बहुत ही ज़बरदस्त जगह देखने वाली हैं, और बहुत कुछ आपको इधर से भी सीखने का मिलता है। ये हमारे मुल्क के लोग हैं जिनके साथ हम लोग एक्चुअली इतना मिल नहीं पाते, लेकिन जब आप मिलें तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। कम्युनिकेशन, बातचीत, खाना, ये सारी चीज़ें आपको ट्रैवल से सीखने को मिलती हैं। तो कोई आपने कभी, क्योंकि इतना रिचली ट्रैवलिंग हेयर एंड देयर एंड मीटिंग ऑल पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, बड़े जो बुनियादी किस्म के लोग भी, ग्रास रूट लेवल पे भी, और दूसरे किस्म के वडेरे भी, तो कोई मेमोयर्स लिखने का नहीं सोचा? मैं लिखता ज़रूर हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को और को दिखाया हो, लेकिन मैं अपनी उसके तौर पे ज़रूर चीज़ें लिखता रहता हूँ। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे जाने का मौका, असल में अब टाइम बहुत चेंज हो गया, पहले के ज़माने में जो ट्रैवल्स होते थे और तरह के होते थे, अब इब्ने बतूता टाइप होते थे ना। इब्ने बतूता तो चले बहुत पुरानी आप बात करें, लेकिन इवन अर्ली 80s या 90s में भी जिस तरह का ट्रैवल था वो अलग तरह का था, और अब अलग है। अब आपको इन्फॉर्मेशन हर जगह के बारे में वेब से मिल जाती है, पहले तो लोग एक्चुअली इन जगहों पर जाते थे तो लिखते थे साथ में कि उधर जो भी चीज़ें लिखी होती थी किसी जगह की हिस्ट्री के बारे में। अब आप जाते हैं तो आप उस जगह की एक पिक्चर ले लेते हैं जहाँ पे उन्होंने हिस्ट्री लिखी होती है, या फिर आप वेब से निकाल के देख लेते हैं। तो वो, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ नोट्स बना लेता हूँ अपने फ़ोन के अंदर, कोई चीज़ें जो याद रखने वाली होती हैं, फिर उनको दोबारा प्रॉपरली। तो मेरी ट्रैवल की पूरी डिटेल जो है वो मेरे पास कहीं ना कहीं महफूज ज़रूर है, और तस्वीरें, क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का शौक है तो मैं कैमरा हमेशा मेरे साथ होता है, मेरा SLR मैं अपने साथ में ट्रैवल करता हूँ, और फिर जहाँ पे भी मौका मिलता है पिक्चर्स ज़रूर लेता हूँ। तो पिक्चर्स में मेरी एक समझ लें कि मेमोयर जो है वो पिक्चर्स की शक्ल में बने हुए हैं, और बहुत ज़्यादा है, और बहुत हर मुल्क की डिटेल में मेरे पास फोटोग्राफी, तस्वीरें और डिटेल्स मौजूद हैं। ज़बरदस्त। तो वो जो आपके मेमोयर्स हैं जो आपने कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं, अगर वो कोई और पढ़ ले तब भी ठीक है? कुछ हैं जो पढ़े जा सकते हैं, कुछ हैं जो नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम बाहर के ममालिक
फ्लाइट में जाते हैं और अपने मुल्क में इधर उधर घूमते हैं, जैसे आपने कहा कल्चर का बहुत फ़र्क है जी, और पाकिस्तान में जो है अभी भी अगरचे हम लोग काफ़ी इमेंसिपेट हो गए हैं, हम कदरे जो है हमारा कैनवस बड़ा हो गया, वसी हो गया, मगर फिर भी कई दफ़ा जो लोगों के व्यूज़ हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऑल यू कम फ्रॉम सिटी बैकग्राउंड एंड लर्नड बैकग्राउंड, बट वुड यू लाइक टू आस्क ताहा अबाउट सम क्वेश्चंस अबाउट वुमेन्स इमेंसिपेशन, जेंडर रोल? हाँ, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो हाउ डू यू डिफाइन जेंडर रोल्स जनरली? आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें क्वेश्चन, तो आई थिंक आई विल बी एबल टू आंसर बेटर। मतलब कि इफ आई आस्क यू के अकॉर्डिंग टू यू व्हाट रोल अ मैन हैज टू हैव इन अ सोसाइटी एंड व्हाट रोल अ फीमेल हैज टू हैव इन अ सोसाइटी, तो हाउ वुड यू गो? आई थिंक पहली सबसे पहली बात तो ये कि मैं तो इस डिवीजन में ही बिलीव नहीं करता। आप जेंडर बायस नहीं हैं, ये एक ऐसी डिवीजन है जो कल्चर ने बनाई है, जो कि ओवर द ईयर्स कम होती जा रही है। अब आपने देखा कि जो चीज़ें आपको हमारे माशरे में आज नज़र आती हैं, 100 साल पहले शायद वेस्ट में भी वैसी होती थी, या 200 साल पहले और ऐसी सोसाइटीज़ में इससे भी बुरे हालात होते थे। तो आहिस्ता 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 वहाँ पे भी अब ये काफ़ी ठीक हो चुकी है, और इवेंचुअली यहाँ पे भी वो होगा कि यहाँ पे भी वो एक बराबरी के रोल पर आ जाएगी। लेकिन क्योंकि वहाँ एजुकेशन ज़्यादा है तो ये चीज़ें थोड़ा जल्दी हो गई है। हमारे यहाँ पर एजुकेशन एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से अभी तक लोगों को इतने इस पर अवेयरनेस जो है वो नहीं आ सकी, लेकिन आई थिंक पहले से बहुत बेहतर है और आते जा रहे। रोल मेरे ख्याल से उसका ही ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा होना चाहिए जो ज़्यादा एजुकेटेड है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। तो ये बिल्कुल बराबर बनाए गए हैं और बराबर ही इनका रोल होता है सोसाइटी के अंदर, या फिर जिसकी एजुकेशन ज़्यादा है या जो ज़्यादा ज़्यादा जानता है उसको शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए इसमें, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द। मगर आजकल ये देखा गया है कि फॉर सम रीज़न और द अदर जो है टसल ऐसे लग रहा है जैसे जेंडर्स के रोल में टसल है। डू यू एवर फील दैट एज ए साइकोलॉजिस्ट के कोई ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे कोई जैसे टसल हो, हालांकि ये तो इकट्ठे चलने वाला है, पूरा जो मुआशरा है वो तो इनके साथ मिल के चलता है। सर, उन हाउस होल्ड्स में स्पेशली जहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो वर्किंग वुमेन हैं, तो वहाँ पे वी डू सी के एक टसल चल रही होती है, बिकॉज मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी है हमारी अनफॉर्चुनेटली टू अ सम एक्सटेंट, तो वहाँ पे दे डोंट रियली एक्सेप्ट अ फीमेल के वो वर्किंग फीमेल प्लस obviously wo if she's a working female so she's also looking after her house so they don't accept ke she is doing more than I am, to wo ek superiority inferiority complexes ka bhi shikar ho jate hain males। And I feel ke wo khawateen jo ke kaam nahi karti hain ghar pe rehti hain aur ghar sambhalti hain wo equally barabar kaam kar rahi hain उन आदमियों के जो कि बाहर जाके काम करते हैं, और जो काम भी करती हैं और घर भी संभालती हैं वो मर्दों से ज़्यादा काम कर रही है एक्चुअली, और उसके हिसाब से उनको उसकी इम्पोर्टेंस भी मिलनी चाहिए और उनकी कदर भी होनी चाहिए, क्योंकि घर चलाना भी एक फुल टाइम काम है और जॉब करना भी एक फुल टाइम काम है। सो जो औरतें ये दोनों करती हैं वो एक्चुअली उस मर्द से बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं जो कि सिर्फ काम करता है और उसके बाद घर आके कहता है कि अब मेरा दिन ख़त्म हो गया। वो उस औरत का तो दिन ख़त्म नहीं होता वहाँ आके, वो आती हैं फिर बच्चों को भी संभालती हैं घर भी देखती हैं। तो ये वही बात है कि अवेयरनेस, जो आदमी किसी औरत को काम करने की इजाज़त देता है जो कि उसकी जगह ही नहीं है इजाज़त देने की, पहली बात तो ये, तो उसके बाद वो फिर बहुत ज़्यादा इन आम आदमी की लैंग्वेज में कहते हैं कि ऊपर से आता है कि फिर मैंने इसे इजाज़त दी है तो फिर अब ये बहुत बड़ा कोई एहसान कर दिया, तो अब घर भी संभालो वो भी करो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल एक हमारे कल्चर में एक गलत ट्रेंड है जो चलता आ रहा है, जिसको दूर करने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों के बारे में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े से हेड ऑफ टाइम है, तो उस पर मेरा ख्याल ना ही जाए, बहुत सारे लोग बुरा मान सकते हैं उसके लिए, तो इसलिए मैं उस तरफ ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अच्छा, एजुकेशन के अलावा डू यू थिंक देयर आर एनी द फैक्टर्स के जिन पे बेस्ड हम अवेयरनेस आ सकती है इन जनरल पब्लिक? जैसे मैंने पहले कहा, एजुकेशन और कल्चर ये दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये चल रहा है, यानी कि आपको
ऐसे ऐसे भी घर मिलेंगे जहाँ पे लोग पढ़ लिख चुके हैं लेकिन क्योंकि फैमिली ट्रेंड्स ऐसे चलते आ रहे हैं माजी में से, तो वो उनको तोड़ना नहीं चाहते और कोई उसमें से एक शख्स है जो हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं इसको ब्रेक करूँ और ये ट्रेडिशन को चेंज करूँ। तो वो ये दोनों फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व है इसके अंदर, आपके बड़े और आपकी आपकी एजुकेशन का ना होना, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। तो एजुकेशन आप सिर्फ आपकी भी ज़रूरी नहीं है बल्कि बड़ों की भी एजुकेशन ज़रूरी है, अगर वो भी एजुकेट होंगे साथ साथ तो फिर ये ट्रेंड को चेंज किया जा सकेगा। अच्छा, आई हैव सीन के पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरह की है एक इंसान की, क्योंकि मोस्टली फैमिलीज जो हैं उनमें प्रैक्टिस की जाती हैं ये चीज़ें, फिर बच्चे क्योंकि मॉडलिंग से सीखते हैं तो दे ग्रो अप लाइक दैट। और दूसरा बर्थ ऑर्डर्स प्लस जो ओनली चिल्ड्रन होते हैं, अगर फॉर इंस्टेंस अ फैमिली दे ओनली हैव अ सिंगल चाइल्ड मेल है वो भी, तो वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में उसको रेस किया जाता है एंड देन उसकी पर्सनैलिटी में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, वो बाद में भी ओवर प्रोटेक्टिव और पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर। फिर फर्स्ट बॉर्न्स, सेकेंड बॉर्न्स, लास्ट बॉर्न्स, उनके भी डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी ऑपरेट करते हैं लोग। सो इट्स ट्रू कि सिर्फ एजुकेशन जो है वो नहीं रोल प्ले करती कि अवेयरनेस। अगरचे आप बहुत ही साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हैं, मगर इस पे भी वी विल टेक ताहा'स टेक, बिकॉज ताहा हैज़ ऑल्सो गॉन टू शिकागो टू वाइटल स्मार्ट्स एंड ही हैज़ बीन ट्रेन्ड देयर इन काउंसलिंग। और एक छोटी सी ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक से जब पलट के आएंगे तो जो सवाल मिस ने अभी किए हैं, बर्थ ऑर्डर की बात की है, सिंगल चाइल्ड की बात की है और इस तरह की जो बातें हैं, तो दे आर रेलेवेंट कि हम ताहा सदाकत से ये भी पूछें। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं ताहा सदाकत, CEO विलिंग बेस, और इनके और जो जैसे इन्होंने आर्टिस्ट मैनेजमेंट की बात की, और जैसे प्रोग्राम में आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ही इज़ बिग टाइम इनटू मूवी मेकिंग एज वेल। सो दीज आर डिफरेंट फैसेट्स ऑफ अ सेम पर्सन, ऑफ वन पर्सन, एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इट इन टुडेज़ इंटरव्यू। प्लीज स्टिक विद अस। आप जब भी किसी एडिक्ट से पूछें कि आप नशा क्यों करते हो, तो वो आपको एक ही चीज़ बताएगा कि मैं नशा इसलिए करता हूँ कि मैं मज़ा हासिल करने के लिए, टू फील सेटिस्फाई या टू फील प्लेयर। मैं इसलिए करता हूँ कि मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं प्लेयर फील करूँ, मैं चाहता हूँ मैं खुशी फील करूँ, मैं इसलिए नशा करता हूँ। अगर कोई डिप्रेशन में है, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई हादसा हुआ है या कोई ऐसा वाकया हुआ है जो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है या दुख वाला है, तो वो कहेगा कि मैं अपना दुख ख़त्म करने के लिए नशा करता हूँ। अच्छा, और अगर किसी की ज़िंदगी में बड़ी खुशी आई हुई है तो वो खुशी को इंजॉय मज़ीद करने के लिए, जैसे ईद पे आपने देखा होगा लोग इंजॉय करने के लिए नशा करते हैं, हर ईद पे, हर ऐसे इवेंट पे जो कि एक स्लिपरी इवेंट साबित होता है, उस पे बहुत से लोग नए नशे पे लगते हैं, बहुत से लोग रिलैप्स करते हैं, बहुत से लोग लैप्स करते हैं। सो इवेंट्स जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं ये तो खुद खुशियाँ लेकर आते हैं, लेकिन हम ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करवा के इन इवेंट्स को ख़राब कर लेते हैं, और फिर क्या होता है कि यही इवेंट जो हैं हमारी बर्बादी का बायस भी बन सकते हैं। सबसे पहले आप ये बता दें कि ये इंटरवेंशन या मुदाखलत आखिर है क्या? इंटरवेंशन जैसे नाम से जाहिर है कि हम मुदाखलत को कहते हैं, और मुदाखलत एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सुबह से शाम तक लोगों की ज़िंदगियों में करते हुए पाए जाते हैं। ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, अगर हम एक सब्जेक्ट के तौर पर इसको देखें कि जब से इंसान अजल से इस दुनिया में आया है तो दखल देने का ये सिलसिला तब से जारी है, और जब तक ये दुनिया जारी और सारी है दखल देने का ये सिलसिला भी साथ साथ चलता रहेगा। पहले नॉन स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग दखल देते थे, यूजुअली दखल देने का मकसद पीछे होता है किसी की इस्लाह करना, जिसको हम मुदाखलत बराए इस्लाह कह सकते हैं। बुनियादी तौर पर हम दखल किसी के किसी एक्शन में, बिहेवियर में, रवैये में बेहतरी लाने के लिए करते हैं। मूड और मिजाज की खराबी में एंगर का क्या अच्छा बुरा रोल है? एंगर इश्यूज बड़े कॉमन हैं जितने भी मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, और यूजुअली जब फैमिली नोटिस करना शुरू होती है किसी भी शख्स में कि इसके कुछ मूड प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें जो इनिशियल कुछ सिम्टम्स होते हैं उनमें से एक सिम्टम है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है, पेशेंट में आना शुरू हो जाता है जब घर वाले नोटिस करना शुरू हो जाते हैं या फ्रेंड्स या कलीग्स,
या रिश्तेदार आसपास के लोग रहने वाले नोटिस करना, तो ये पहला नोटिसेबल सिम्टम है जो नज़र आता है किसी भी ऐसे पेशेंट में जो कि मूड डिसऑर्डर का शिकार होता है। और एक इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। आमतौर पर गुस्से के बारे में यही तासुर मिलता है कि शायद गुस्से का मतलब है कि कोई सिर्फ इसका मतलब है कि आप अग्रेशन शो कर रहे हैं या आप चीज़ें तोड़ फोड़ रहे हैं। गुस्से की मुख्तलिफ किस्में हैं और वो मुख्तलिफ वेरिएशंस में नज़र आते हैं। हमारी जो कैपेसिटी है वो खाने की या किसी खाने को ज़्यादा खाने की या कम खाने की, उसका हमारे मैदे से ताल्लुक नहीं है, उसका ज़्यादा ताल्लुक हमारी आँखों से है। अक्सर लोग इसके लिए कहते हैं ना कि अखा नहीं रचती हैं कि आँखों से भूख जो है वो भी खत्म नहीं हुई होती कि वो लगता है कि नहीं अच्छा नहीं अभी तो हमने सिर्फ थोड़ा सा खाया। सो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं कि कैसे हमारी जो आइज़ हैं वो हमें या हमारा जो आई बॉल है वो हमें कैसे सिग्नल दे सकता है कि हम खाने से हाथ रोक लें। क्या खाने का साइज़ भी मैटर कर रहा होता है इसके अंदर? अच्छा, बेसिकली क्यूज़ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल क्यूज़ होते हैं एक एक्सटर्नल क्यूज़ होते हैं। इंटरनल क्यूज़ वो होते हैं जो कि हमारे अंदर से जो है हमें सिग्नल दे रहे होते हैं कि मुझे भूख लगी हुई है, मैं फुल हो गया हूँ, मैं स्टार्व कर रहा हूँ, ये हमारे इंटरनल क्यूज़ होते हैं। जबकि एक्सटर्नल क्यूज़ जो है वो हमारी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और वो बहुत वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल क्यूज़ होते हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉक योर टॉक और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में है ताहा सदाकत, CEO विलिंग वेज, और मेरे साथ को होस्ट हमेशा की तरह हिरा शाहिद। बात ये हो रही थी बिल्कुल ब्रेक से पहले, मिस हिरा शाहिद ने एक सवाल पोज किया था और वो मुझे पता है कि इट वाज फ्रॉम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और वो बात कर रही थी कि जो हमारा बर्थ ऑर्डर होता है और बीइंग अ मेल चाइल्ड और इफ़ इट इज़ अ सिंगल मेल चाइल्ड इन हाउस होल्ड हाउ डज दैट इफेक्ट द पर्सनैलिटी, यही सवाल था आपका। तो ऑल दो ये बड़ा स्पेसिफिक सा सवाल है मगर आई विल कोरिलेट इट विद योर एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग व्हेन यू वर डूइंग काउंसलिंग, बट यू वर नॉट डूइंग काउंसलिंग इन फैमिली बिकॉज इन शिकागो। पहले तो आप इसका ज़रा इस पर आप टेक दें, देन वी विल टॉक अबाउट वाइटल स्मार्ट्स ट्रेनिंग। आई थिंक ये बिल्कुल इससे फ़र्क पड़ता है कि आप किस ऑर्डर में हैं घर में। जो पहला बच्चा होता है उसकी एक अलग वैल्यू होती है, आखिरी होता है उसकी एक अलग होती है, मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम भी एक होता है वो उसके एक अलग मसले होते हैं, तो वो उससे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से ये देखा है कि ज़िंदगी में ना किसी चीज़ को एक्सक्यूज़ बना के पीछे नहीं रह जाना चाहिए, किसी एक्सक्यूज़ के पीछे नहीं छुपना चाहिए। आई थिंक जो भी इवेंचुअली आप वो कर लेते हैं जो आप करना चाहते हैं, उसमें आप चाहे लोग कई पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने ये नहीं करने दिया, उन्होंने वो नहीं करने दिया, या वो इस बात पे इस वजह से मैं ये नहीं कर सका, आई थिंक आपके अपने हाथ में होता है, आपने जो करना होता है वो आपने करना होता है। उसके लिए आपको अगर वक्ती तौर पर अगर कोई किसी को थोड़ा सा नाराज़ करना पड़े तो आपको अगर ये पता है ना कि आप सही चीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए। लोग लेकिन हमारे यहाँ पे एक्सक्यूज़ के पीछे छुप जाते हैं बहुत ज़्यादा कि ये तो मैं इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मुझे करने नहीं दिया गया, या उस वक्त ये नहीं कर सका अब क्या फ़ायदा करने का। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ कभी भी की जा सकती है, जब आपके पास वसाइल आ जाए या वक्त आ जाए तो आप उसको उस वक्त कर लें। कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं किसी अर्लियर स्टेज पर ज़िंदगी की अगर नहीं कर सका तो मैं अब कर लेता हूँ, मैं ये सोच के कि अच्छा मेरे पास अब उसके वसाइल हैं या अब मेरे पास उसका वक्त है तो मैं अब कर लेता हूँ। तो फ़र्क पड़ता है इन सारी चीज़ों से, जिसके जितने हैंडीकैप्स होते हैं उसको उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जितनी अपने हैंडीकैप्स को पहचान लें और मेहनत करके उसको ओवरकम कर लें, ये मेरा ख्याल है। नाउ इट्स माई टाइम टू आस्क द क्वेश्चन। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी आप बात ये कर रहे थे कि एक्सक्यूज़ के पीछे नहीं छुपना चाहिए और इंसान को जो है रियलाइज़ करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, जो है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर पहले नहीं कुछ कर सके तो अब कर लें व्हेन देयर इज़ अ टाइम। ये वो साइकोलॉजी है जो हम डॉक्टर सदाकत से सुनते रहते हैं और यू बीइंग नॉट ओनली वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन एज हिम इन विलिंग वेज, यू हैव लिटरली ग्रोन अप विद हिम बिकॉज बीइंग हिज सन। So how did the psychology and as a father and then as a doctor, how did all those things rub on you?
आई थिंक मैं इस चीज़ के लिए बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि आप लोगों को उनकी जो साइड देखने को मिलती है या और बहुत सारे लोगों को, मुझे उसके अलावा बहुत सारी और साइड्स देखने को मिलती हैं, प्लस कोई उनकी ज़िंदगी के किसी हिस्से में उनके साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी हिस्से में जुड़ा हुआ है, जबकि मैं उनकी पूरी जर्नी, मतलब जित मेरे पैदा होने के बाद से जो भी जर्नी है, जो अकल समझ की उम्र आ जाती है उसके बाद से, तो लकीली आई थिंक उनकी करियर की एक बड़ी जर्नी उस वक्त के बाद से शुरू हुई, 85, 86, 87 के टाइम से, तो मुझे वो सारी ही देखने का मौका मिला, और उसके साथ किस किस सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करते हैं या करते थे, किन मुश्किलों को कैसे फेस किया, किन अचीवमेंट्स को कितनी हम्बली उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, और कभी उससे ईगोइस्टिक नहीं हुए या कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, कई ऐसी चीज़ें मैंने उनकी ज़िंदगी में उनको करते हुए देखी जिनसे मैं बगैर सोचे ही सीखता रहा उनसे, यानी मैं जानबूझ के अगर ना भी सीखने की कोशिश करूँ तो एक आपके सिस्टम में शामिल हो जाती हैं वो चीज़ें जो मैंने उनको करते हुए देखा है, तो और अभी भी मुझे बहुत सीखने का मौका मिलता है, अभी भी अगर मैं किसी मुश्किल या किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाऊँ तो मैं उनसे बात करता हूँ और वो उससे मुझे बता देते हैं कि अगर आप ऐसे कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे तो ये हो जाएगा, 3-5 सिचुएशन वो मेरे सामने रख देते हैं बजाय एक कोई मुझे बताने के कि ये कर लें, वो मुझे बताते हैं कि अगर आप ऐसे करेंगे तो ये होगा, ऐसे करेंगे तो ये होगा, 3 या 4 ऐसी ऑप्शन आ जाती है मेरे सामने जिससे मुझे सोचना या फैसला करना मेरे लिए आसान हो जाता है, तो बिल्कुल एक बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि मुझे ये सब उनसे सीखने को मिलता है। वेरी गुड, अब हम आते हैं कि व्हाई डिड यू गो टू शिकागो टू वाइटल स्मार्ट्स एंड व्हाई डिड यू गेट दैट ट्रेनिंग एंड देन डिड यू परसू दैट ट्रेनिंग। बिल्कुल, शिकागो में वाइटल स्मार्ट्स गया था 2011 में और ये ट्रेनिंग मैंने की थी और मुझे याद है बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ और सिटीज़ से, अमेरिका के डिफरेंट सिटीज़ और फिर डिफरेंट कंट्रीज़ से भी लोग वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वहाँ पे पाकिस्तान से कोई आया हुआ था इस ट्रेनिंग के लिए और वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन विलिंग बेस कैसा काम कर रही है, वो उल्टा हमसे मुझसे जानना चाहते थे कि थर्ड वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन इतने अच्छे इतने सालों से कैसे, थर्ड वर्ल्ड वाली बात हजम हो जाती है हो जाती है क्योंकि रियलिटी है, मतलब इससे इनकार अभी तो नहीं किया जा सकता, अभी तक हम उसी में काउंट होते तो, लेकिन थर्ड वर्ल्ड में वाकई अगर रिहैब सेंटर में किसी जैसे कि शौकत खानों का नाम लिया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में, तो रिहैब की उसमें विलिंग वेज का नाम लिया जाता है, तो वो हैरान ही होते हैं शौकत खानों के बारे में भी और विलिंग वेज के बारे में भी कि थर्ड वर्ल्ड के साथ इधर की मुश्किलात के साथ किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत मॉडर्न बुनियादों पर और वक्त के साथ साथ आगे से आगे नई नई चीज़ों के साथ कैसे चलाया जा रहा है, तो मैं मुझे भी वहाँ से बड़ा सीखने का मौका मिला था और उसके बाद एक्चुअली मैंने वो ट्रेनिंग काफ़ी लोगों को दी भी है, फिर क्लाइंट्स के साथ काउंसलिंग भी करता रहा हूँ मैं पिछले 2011 से लेके एटलीस्ट 15 या 16 तक मैं रेगुलर काउंसलिंग कर रहा था, लेकिन फिर उसके बाद अब पिछले 1-1.5 साल में मेरे पास वक्त इतना कम होता चला गया कि मुझे ऐसे लगा कि मैं काउंसलिंग के साथ इंसाफ नहीं कर पाऊँगा, इस वजह से मैंने खुद मना किया वो करने से, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास घंटा एक निकल नहीं सकता दिन में मैं, लेकिन वो एक घंटा ही सिर्फ नहीं चाहिए होता, आपको उससे पहले उसके लिए प्रॉपर सोचना होता है, तैयारी करनी होती है, माइंड आपका रिलैक्स होना चाहिए, मेरे ऊपर वर्कलोड भी ज़्यादा होता है यूजुअली, तो मैं ये नहीं कर सकता कि उस वर्कलोड को छोड़ के बीच में आके एक घंटा एक सेशन कर लिया और चला गया, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे अनफेयर नहीं होना चाहिए क्लाइंट्स के साथ, इसलिए मैंने फिर एक्सक्यूज़ कर लिया कि मैं सेशंस ना करूँ अभी, ख़ासतौर पर पर्टिकुलर क्लाइंट्स के साथ उनके इश्यूज़ को लेके सेशन को ना किया जाए, जनरली अगर कोई बात करनी हो किसी चीज़ के बारे में तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन जब आप किसी का एक पर्सनल इशू लेके चल रहे होते हैं तो आपको भी मेंटली पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए और आपके दिमाग पे भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये ख़त्म करना है और यहाँ जाना है और ये करना है, तो मैं फिर इस वजह से उससे मैंने ऑप्ट आउट कर लिया कि मैं काउंसलिंग अभी फॉर द टाइम बीइंग नहीं कर रहा हूँ।
तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वाइटल स्मार्ट्स, इसकी बड़े मशहूर बुक्स भी हैं और प्रोग्राम्स भी हैं, क्रूशल कॉन्वर्सेशन है, क्रूशल कॉन्फ्रंटेशन है, फिर उनकी बुक इन्फ्लुएंसर भी है, उसमें भी आई थिंक यू वर गेटिंग ट्रेनिंग इन इन्फ्लुएंसर। जी, इन्फ्लुएंसर ट्रेनिंग ही मैंने की थी और फिर उसी ट्रेनिंग को लेकर आगे हमने बिलिंग वेज में कॉरपोरेट ट्रेनिंग की थी कुछ कंपनीज की, डिफरेंट सेशंस 10-10 दिन की एक मैं वो कंडक्ट करता था, तो वो मैंने किया था। प्लस फिर कुछ क्लाइंट्स के साथ इन्फ्लुएंसर की को बेस बना के उनकी काउंसलिंग की जाती थी, तो वो मैं सारी चीज़ें करता रहा था। और फिर उस दौरान में जो मेरे क्लाइंट्स थे वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा चाहते थे कि मैं ही उनके साथ कंटिन्यू करूँ उसके बाद, लेकिन फिर मेरे वक्त की कमी की वजह से फिर वो मुझे ऐसा लगा कि मैं इंसाफ नहीं कर पाऊँगा उसके साथ, तो इसलिए फिर मैंने अब कुछ वक्त से जो है वो नहीं किया। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग आपकी थी और ये जो एक्सपीरियंस था आपका, हाउ डिड इट हेल्प एंड ट्रांसफॉर्म योर रोल, जो आपने वो जीसी की बात की, और मुझे बल्कि इससे पहले कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं, मुझे वो वक्त याद आ गया है व्हेन इन 2000 मुझे एक ड्रामा जो था मैंने लिखा, और ड्रामा लिख के मुझे उसकी शूट करवानी थी, और आई वॉज़ वर्किंग विद टेलीविजन चैनल, और अयूब खावर साहब वॉज ए प्रोड्यूसर, और नबील वॉज वन ऑफ द एक्टर्स, आयशा खान थी, आयशा सना थी, और फख्र आलम थे, ये लीड मैंने आपको, और लगारी साहब थे, और ये इस तरह के थे। और मैंने डॉक्टर सदाकत को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मुझे कोई जगह चाहिए जहाँ पर मैं ये ड्रामा शूट करूँ, एंड ही वॉज ऑलवेज वेरी ग्रेशियस ऑफ हिम, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे घर पे कर लें। और एट दैट टाइम यू वर वेरी यंग, आई थिंक मुझे तो ऐसे ही याद पड़ता है, यू मस्ट बी इन योर टीन्स और आई वाज 16 एट दैट टाइम आई रिमेंबर। तो उस वक्त तो मैंने आपको कभी ऐसे इन्वॉल्व्ड नहीं देखा, और बाद में यू वेंट इनटू मूवी मेकिंग एंड स्टफ लाइक दैट, सो हाउ डिड दैट एट दैट पॉइंट इन टाइम यू वर नॉट इनटू दिस, हाउ डिड दैट इफेक्ट? आई थिंक जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं वो वाकई उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था, और अभी मेरे ख्याल स्कूल ख़त्म ही हो रहा था, और अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया ही था, आई थिंक उस वक्त की बात कर रहे हैं आप। गवर्नमेंट कॉलेज से मेरी एक तो मेरी जर्नी थोड़ी सी चेंज हुई, वहाँ पर जाके पढ़ाई से ज़्यादा दूसरी चीज़ों की तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा होता था, तो मेरा ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ थोड़ा ज़्यादा था, पढ़ाई भी मेंटेन हो रही थी साथ साथ, लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट कॉलेज जाने के बाद मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था कि मेरी जर्नी जो है वो मेडिकल की साइड की नहीं है। अच्छा। मैं डॉक्टर तो मैं बिल्कुल नहीं बन सकता, और मुझे इस पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि एक और जो भी मुझे करना है उसको उसकी एक डायरेक्शन मुझे ले लेनी चाहिए। तो मैंने उस वक्त आर्ट्स की तरफ ही फिर मेरा ध्यान गया था कि मैं, क्योंकि मैंने बैचलर्स में साइकोलॉजी पढ़ी थी, मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ी थी, और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था, और उसके बाद मैं मास्टर्स किया था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो उस वक्त फिर मेरा इंटरेस्ट था वो आर्ट्स की साइड पर जा चुका हुआ था कम्प्लीटली, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ना कुछ इसी तरफ करूँगा। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप प्लान नहीं करते, वो फिर साथ साथ खुद ही होती जाती हैं। तो उसमें से एक मौका ये था कि जब भी मैं मास्टर्स ख़त्म कर रहा था तो मैं एनुअली एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया करता था गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, और गवर्नमेंट कॉलेज में 20 साल से कॉन्सर्ट्स बैंड थे जिस वक्त मैंने ये प्रपोजल वाइस चांसलर को दिया था, 2004 की बात कर रहा हूँ मैं, इस वक्त अभी मास्टर्स में भी नहीं, एक्चुअली बैचलर्स में ही था मैं, तो मैंने उनको एक प्रपोजल दिया था कि मैं एक कॉन्सर्ट करना चाहता हूँ। तो उसमें मुझे एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा था कि 20 साल से बैंड है कॉन्सर्ट, 1984 में आखिरी दफ़ा हुआ था, तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई रीज़न है मेरे पास कि मैं तुम्हें इसके लिए अलाउ करूँ। तो फिर मैं दोबारा वापस गया, फिर एक नई प्रपोजल बनाई, फिर एक और चीज़ करके फिर मैं उनके पास दोबारा गया, तो 2-3 कोशिशों पे फिर उसमें मेरे एक प्रोफेसर थे हमारे साथ गवर्नमेंट कॉलेज में, मेरे टीचर थे, और आज भी बल्कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है उनका भी, जिस तरह से मैंने उनसे चीज़ें सीखी, और वो भी उन लोगों में से हैं जिनसे आज भी मैं मशवरा लेता हूँ अगर मुझे कभी कोई ज़रूरत हो मशवरे की। तो वो उन्होंने मेरी साथ सिफारिश कर दी वाइस चांसलर को कि ये कर लेगा, तो मुझे उन्होंने फिर बुलाया दोबारा, और उन्होंने कहा कि ठीक है तुम कह रहे हो तो कर लेते हो, लेकिन एक गमला भी नहीं टूटना चाहिए, ये उनके वर्ड थे, मुझे आज भी याद है कि उनको ये था कि कॉन्सर्ट में लड़ाइयाँ हो जाती हैं आमतौर पर।
तो उन्होंने कहा था कि एक गमला भी नहीं टूटना चाहिए, ये बस मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा जी एक गमला भी नहीं टूटेगा, और मुझे नहीं पता मैंने क्यों कहा था ये, आदमी कैसे इंश्योर करना था, लेकिन बस वो उससे बनता चला गया। मैंने कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया, स्पॉन्सर्स भी मिल गए, मैं और ये मैंने फंड रेजिंग के लिए किया था गवर्नमेंट कॉलेज में जो नीडी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, तो ये एक कॉज भी थी इसके साथ जुड़ी हुई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं अलाउ कर देता हूँ। फिर मैंने वो ऑर्गेनाइज किया, कुछ लोगों की मदद ली, कॉलेज की सिक्योरिटी वगैरह के लोगों के साथ मीटिंग्स करके उसको ऐसे इंश्योर किया कि वो इतना बड़ा कॉन्सर्ट हुआ, और फिर कॉलेज को फंड भी बहुत ज़्यादा आए उसकी वजह से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये तुम साल में एक कर सकते हो, तो फिर अगले साल भी किया, फिर उससे अगले साल भी किया। तो जो मेरा आखिरी साल था उस वक्त में मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं अब पहले पाकिस्तान के दो तीन बड़े आर्टिस्ट के साथ कर चुके थे हम कॉन्सर्ट, तो मैंने सोचा कि कुछ बाहर से बुलाते हैं, कोई इंटरनेशनल इवेंट करते हैं। तो वो फिर मैं वो भी करने में कामयाब हो गया। मैंने कनाडा से जोश बैंड को बुलाया, उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी नई नई पाकिस्तान में, तो वो ऑर्गेनाइज़ किया, और उस दौरान में उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि क्या मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा या नहीं। तो वो ही मैं बता रहा था कि कुछ चीज़ें आप प्लान नहीं करते ज़िंदगी में, वो फिर इस तरह से हो जाती हैं। तो फिर मैंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया, और फिर वो चलते 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 सिलसिला आज इधर तक पहुँच गया कि अब मैं कम्प्लीटली ऑलमोस्ट फील्ड में इन्वॉल्व हो चुका हूँ। तो ये वो हम भी बचपन में इंटरव्यूज देखते थे, और लोगों के जब लोग कहते थे ना कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मेरा ऐसा प्लान था नहीं, लेकिन समटाइम्स आपकी जर्नी शेप अप होती है ज़िंदगी में इस तरह कि वो आपके कंट्रोल में भी नहीं होती, और चीज़ें होती चली जाती हैं, और वो आगे से आगे से आगे चल जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग जी मिस, सो वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग द एंड ऑफ द इंटरव्यू। Anything else that comes to your mind? नहीं, I was thinking while he was telling के literature पढ़ा, मैंने भी literature ही पढ़ा चार साल के नेट में, और उसके बाद उससे पहले प्री मेडिकल थी थ्रू आउट, और वो ही कि लिटरेचर पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा ना आर्ट्स में इंटरेस्ट डिवेलप हो जाता है, बिकॉज वो सारे नॉवल्स और वो आप ड्रामा स्पेशली क्लासिक इंग्लिश लिटरेचर में तो शेक्सपियर एंड ऑल, और कनेड का तो बहुत फेमस भी है उनका सारा, वहाँ पर तो इनैक्टमेंट्स वगैरह हम करते थे, तो वो इवेंचुअली फिर डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। मैं साइकोलॉजी को पकड़ लिया क्योंकि आई यूज़ टू एक्सप्लोर साइकीज कैरेक्टर्स की नॉवेल्स में, और फिर वो जब एमएससी की फिर एमएस किया तो इवेंचुअली रियलाइज़ किया कि नहीं दिमाग जो है वो इस तरफ चल रहा है, साइकोलॉजी की तरफ चल रहा है। डिड यू गो इनटू एक्टिंग और समथिंग? स्टेज करता था मैं कॉलेज के टाइम पर, लेकिन उसके बाद प्रोफेशनली एक्चुअली कभी भी नहीं किया। कॉलेज के टाइम पर स्टेज किया हुआ है, ड्रामेटिक्स क्लब होता था गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसके साथ कुछ इंग्लिश प्ले भी था एक किया, उर्दू प्ले भी एक किया था, पर वो उस टाइम पे किया हुआ था। पर एक्चुअली प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद मैंने एक्टिंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं की है। कभी मौका कई मौके आए, लेकिन फिर मैं कोई दूसरी चीज़ों में ऐसे फंसा होता था और फिर वो बन नहीं सका कुछ कभी इस तरह। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब ये मैं इनकी बात को थोड़ा सा वो बताऊँगा, डिग्री से रिलेटेड जो बात हो रही थी, डिग्री की एक वैल्यू ज़रूर है अपनी जगह, और ज़रूर सबको डिग्री करनी चाहिए, क्योंकि डिग्री के साथ ही आपका परसेप्शन आपका डिग्री के साथ जुड़ा होता है कि यार ये बंदा कितना काबिल है या नहीं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बताऊँ कि आपकी बहुत सारी और एक्सपीरियंसेस जो आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ सिखाती हैं, डिग्री उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं सिखाती। डिग्री इसलिए करनी ज़रूरी है कि आप उस कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी उस पूरे ग्राइंड से गुजरें, उस ग्राइंड में आपको और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, जब आप यूनिवर्सिटी में दोस्त बनाते हैं, उन दोस्तों के साथ लेके आप आगे ज़िंदगी में जब देखते हैं कि वो उनमें से कई दोस्त कई पोजीशंस पर होते हैं, वो आपके दोस्त होते हैं, वो आपका सोशल सर्कल होता है, तो उस पूरे ग्राइंड से गुजरने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक्चुअल डिग्री मैं तो इन ऑल ऑनेस्टी बताऊंगा कि मैंने जब से डिग्री की है उसके बाद मुझे नहीं लगता मैंने कहीं जमा कराई होगी, एक्सेप्ट शायद किसी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अगर ज़रूरत पड़ी हो तो दी हो, लेकिन मैंने कभी किसी जॉब के लिए उस तरह से अप्लाई नहीं किया, या मेरी ज़िंदगी में कभी भी मेरे उस तरह से काम नहीं आई है डिग्री, जो कई लोगों के आती भी है। लेकिन मेरा ये कहने का मकसद है कि सीखना जो है ना इंसान का, वो डिग्री के अलावा होता है, आपके एक्सपीरियंसेस आपको सिखाते हैं। इट इज अ प्लेटफॉर्म जो आपको बहुत सारी और चीजें सिखाता है। वही बात है कि अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, तो जाहिर है आप उस ग्राइंड से भी नहीं गुजरेंगे, तो
वो फिर जहालत वो होगी। ये तो नहीं हो सकता कि कोई स्कूल जाए और फिर पढ़े ना और डिग्री ना ले, तो वो ये सब साथ साथ दोनों चीजें चलती हैं, तो दोनों की वैल्यू है। और फिर जो अच्छी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आपने कहा कि जीसी, फिर जीसी में आपने एक प्रोफेसर साहब का जिक्र किया, तो जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, जिनसे आप कनेक्टेड फील करते हैं, तो ये आपको उसके जरिए, ये जरिए हैं जो जिंदगी में आपके आगे तक चलते हैं। तो वीसी के पास जाना, वीसी को जाके कहना जी आई टेक द रिस्पांसिबिलिटी, यू नो दैट गिव्स यू, पता भी नहीं था कि मैं कर भी लूंगा या नहीं, लेकिन बस उस वक्त कह दिया कि कर लूंगा और फिर वो मैनेज भी हो गया। और तो ये रिस्क लेने पड़ते हैं जिंदगी में, एंड दिस गिव्स यू एम्पावरमेंट, दिस गिव्स यू द कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट इफ आई कमिट आई कैन यू नो कैरी इट आउट। तो ये एक चीज है, क्योंकि ये बेसिकली जिंदगी में आगे भी चल के मेरी प्रोफेशनल लाइफ इसी चीज के अराउंड घूमती है कि मैं रिस्पांसिबिलिटी कितनी ले सकता हूँ, बिकॉज़ पीपल डिपेंड ऑन मी, द आर्टिस्ट्स आई मैनेज दे डिपेंड ऑन मी, दे डिपेंड ऑन माय कि आर्टिस्ट मैनेजमेंट का आपने जिक्र किया और अभी आप फिर कर रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू एंड थोड़ा सा इसको बताएं कि आर्टिस्ट मैनेजमेंट क्या फील्ड है और आप किस तरह से आर्टिस्ट को मैनेज करते हैं, एंड व्हाट इज द पार्ट ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन एज एन आर्टिस्ट मैनेजर। आर्टिस्ट मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जिसमें मेरा ये ख्याल है कि मैंने जिस तरह से इसको किया है पाकिस्तान में आके, इट हैज़ चेंज्ड द फील्ड इटसेल्फ। और मुझसे पहले जिस तरह भी लोग काम करते थे वो बहुत मीडियोकर तरीके से होता था, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स होते थे कि किसी ने किसी के साथ कुछ देर कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। तो मैंने जब शुरू किया था तो लोगों ने मुझे ये कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये है क्या? और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो मेरे फैमिली भी, इवन दोस्त भी, सब ये कहते थे कि ये तुम क्या कर रहे हो, वक्त बर्बाद कर रहे हो अपना। तो मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, मैं इसी में कुछ ऐसा करूँगा कि पीपल विल वन डे से कि यार ये काम अगर करना है तो इसकी तरह करना है। और उसी तरह वो शुरू हुआ और मैं करता गया, कई साल गुजर गए इसमें। आर्टिस्ट मैनेजमेंट बेसिकली एक फील्ड है जो बाहर बहुत इम्पोर्टेंस की हामिल है और लोग यानी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो टैलेंट मैनेजमेंट करती हैं। माइकल जैक्सन को मैनेज किया जाता था या नेली फटाडो को किया जाता था या जितने भी बड़े हॉलीवुड आर्टिस्ट हैं, सब एक मैनेजमेंट, एक ना एक मैनेजमेंट कंपनी के साथ साइंड होते हैं, जो उनकी ज़िंदगी का दारो मदार उस कंपनी के हाथ में होता है, वही उसके प्लान्स बनाते हैं, वही उनको सो आर्टिस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो पीआर एक अलग चीज़ है, आर्टिस्ट मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है। आर्टिस्ट मैनेजमेंट आप एक आर्टिस्ट का सारा बिजनेस वो देख रही होती है, बिजनेस आ रहा है कहाँ से, आते हुए बिजनेस को चैनलाइज करना या बिजनेस को जनरेट करवाना, इंटरेस्ट जनरेट करवाने से लेके बिजनेस को आप तक लेके आने तक, ये सारी चीज़ आर्टिस्ट मैनेजमेंट के हाथ में होती है। और आर्टिस्ट आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, आपके ओपिनियंस पे, आपके मशवरों पे, और आपके कितने एजाइल हैं आप उसके ऊपर, कितने आप इंटरेस्टेड हैं उसके ऊपर। तो ये इस फील्ड को लेकर मैं चला, अब मुझे 10 साल हो गए हैं इसमें काम करते हुए और मैं अब इस, मुझे फॉलो करते हैं लोग इस चीज़ के अंदर। अब जो लोग भी आर्टिस्ट मैनेजमेंट में आते हैं उनके लिए एक बेंचमार्क वो ये रखते हैं कि यार इस तरह किया जा सकता है। और मुझे जो भी लोग सीखने के लिए आते हैं मैं उनको ज़रूर सिखाता हूँ। मैं अपने अंडर एक्चुअली लोग ट्रेन कर रहा हूँ अब इस वक्त, जो कि इस फील्ड को अच्छे तरीके से आगे लेके चले, जो उस तरीके से आगे लेके चले जैसे कि मैंने इसको डेवलप किया है। तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में इस फील्ड को अगर प्रॉपर शक्ल जो दी गई है वो मेरी तरफ से दी गई है कि आर्टिस्ट मैनेजमेंट भी कोई फील्ड है और इसको किस तरीके से किया जाना चाहिए। आपने बताया कि जीसी में जब आप आखिरी साल में थर्ड अपना कॉन्सर्ट जो है उसको अरेंज कर रहे थे, तो आपने इंटरनेशनली कनाडा से जोश बैंड को जी बुलवाया, तो आप ये बहुत पुरानी बात, यानी काफ़ी 2005-06 की बात है, तो क्या अभी भी जोश आपके साथ है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक वो ऐसी एसोसिएशन है जो मतलब हम लोग कितने अच्छे क्लोज दोस्त भी बन चुके हैं और मेरे लिए उनकी अगेन वो वैल्यू हमेशा रहेगी क्योंकि उनकी वजह से ये शुरू हुआ था और उसके बाद आगे की सीढ़ियाँ जो है वो मैंने चढ़ी थी। तो ये एक मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा असूल है कि किसी भी वक्त ज़िंदगी में जो लोग मेरे लिए जिन्होंने कुछ भी किया हो वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हमेशा रहते हैं। और
थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले भी जाएं, लेकिन हमेशा मैं आई मेक द एफर्ट ऑफ रीचिंग आउट टू देम, या उनसे मिलना या उनसे वर्क, उनके साथ वर्क गुजारना, ये एफर्ट मैं हमेशा करता हूँ। तो जो लोगों ने भी किसी भी स्टेज पे ज़िंदगी में मेरे लिए कोई रोल प्ले किया हुआ है, वो मेरे लिए बहुत अहमियत के हामिल है। तो जोश का भी, अब ज़ाहिर है मेरी मसरूफियात और आर्टिस्ट के साथ भी बढ़ चुकी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं उनकी, उनका भी ख्याल उसी तरह रखूँ जैसे कि हमेशा से रखता आ रहा हूँ। अगर मैं पर्सनली नहीं भी कर सकता तो मैं अपनी रिप्लेसमेंट के तौर पर ऐसा कोई शख्स भेजूँ जो बेहतरीन तरीके से उनकी चीज़ों को मैनेज कर सके। तो बिल्कुल वो भी अभी तक हम लोग साथ चल रहे हैं। जोश के अलावा आप किन आर्टिस्ट को मैनेज कर रहे हैं? जोश के अलावा मैं अली ज़फ़र को मैनेज करता हूँ, जो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और आई थिंक अली बॉलीवुड का, बिल्कुल पाकिस्तान का, एक्चुअली पाकिस्तान की पहली मेजर एक्सपोर्ट थे अली, जो इंडिया में जिन्होंने जाके एज ए लीड एक्टर काम किया था, वरना उससे पहले सिंगर्स बहुत काम कर रहे थे, लेकिन एज ए लीड एक्टर या हीरो जिसको कहा जाता है, वो अली से ही सिलसिला शुरू हुआ था, और उसके बाद आगे जाके फिर फवाद और फिर और लोगों ने भी काम किया। तो अली बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही मेहनती हैं, और अली एक्टर और सिंगर से ज़्यादा अपने आप को एक अच्छे इंसान बनने की तरफ उनका ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ध्यान होता है। तो ये चीज़ मुझे उनकी बड़ी पसंद है, और ये इन चीज़ों को लेकर हम लोगों की ये केमिस्ट्री बनती है आपस में, जिसमें एक अच्छा इंसान बनना, क्योंकि वो चैरिटी के भी काम करते हैं काफ़ी ज़्यादा। अली ज़फ़र फाउंडेशन है उन्होंने बनाई, जिसके अंडर एजुकेशन में बहुत काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पर लड़कियों की एजुकेशन के लिए। गर्ल्स स्कूल उन्होंने अडॉप्ट किए हैं दो, जिनकी वो, जिनको वो फंड करते हैं, फिर इसी तरह और स्कूल लड़कियों के वो ज़्यादा इस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि एजुकेशन हो। तो ये अली बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत बड़े स्टार भी हैं, जो कि उनको पसंद नहीं है बार बार ये कहलवाए जाना, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं आर्टिस्ट हूँ मुझे स्टार मत कहा करो। तो अली के साथ काम कर रहा हूँ, फिर एक बहुत अच्छी, बहुत ही हमारे टैलेंटेड एक राइटर डायरेक्टर एक्टर हैं, फैसल कुरैशी, जो उनके साथ भी अब मैंने वेरी रिसेंटली, फैसल कुरैशी, तीन फैसल कुरैशी मेरे बिल्कुल ज़हन में आ गए। फैसल कुरैशी ये जो कि जिनका ह्यूमर साइड पे बहुत ज़्यादा काम है, कॉमेडी के अंदर बहुत ज़्यादा काम है, और ये NCA से पढ़े हैं, और ये एहसन रहीम और जवाद बशीर, ये पूरे ग्रुप के साथ जिनका था। Got it। अब मुझे समझ, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रहा जिनके साथ बहुत मुझे समझ आ गई कि आप किस फोन की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा तहा, बिफोर वी लीव फॉर टुडे, मूवी मेकिंग की तरफ भी आपका कुछ पिछले दिनों में यू स्टार्टेड ट्रेकिंग particular interest, and maybe because you know you were managing Ali Zafar, so you have started taking interest. How is your entry into the field of movie making and what are you doing there? Bilkul badi interesting cheez hai ye ki main, mera movie making ki taraf interest pehle se hi tha, aur main is taraf ko kuch kaam kar bhi raha tha pehle, jo kaam thoda sa halt ho gaya tha उस मौके के साथ कि जब मैंने अली ज़फ़र एज एन आर्टिस्ट साइन कर लिया, तो मैं फिर उसमें मसरूफ़ हो गया बहुत ज़्यादा, और वो जो काम मैं पहले कर रहा था उसके ऊपर, वो बीच में रुक गया, जो मैं कंप्लीट करूँगा किसी भी पॉइंट पे। एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी मैंने और उसके ऊपर काम हुआ था काफ़ी, जो मैं करना चाहता हूँ, बहुत मज़े की स्टोरी है उस पर, वो करूँगा ज़रूर, लेकिन फिर वो रुक गया क्योंकि मैं अली के साथ जब मैंने साइन किया तो मेरी मसरूफियत अचानक इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं उस पर काम नहीं कर सका। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट फिर ये हुआ कि अली एक फ़िल्म बना रहे थे, जो अली की अपनी प्रोडक्शन है, पहली पाकिस्तानी फिल्म है, उससे पहले उन्होंने इंडिया में काम किया है सारा, और ये उनकी अपनी प्रोडक्शन है और पाकिस्तान में पहली फिल्म बना रहे। तो वो जब एक जब फिल्म बनने लगी, तो उसमें भी इस फिल्म दो हिस्सों में शूट हुई है, आधी फिल्म पाकिस्तान में शूट हुई है और आधी फिल्म जो है वो यूरोप में शूट हुई है, पोलैंड में। तो जब आधी फिल्म का काम चल रहा था पाकिस्तान में, तो उस पर तो मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था क्योंकि मैं और चीज़ों में मसरूफ था। तो अली का भी ये ख्याल था कि वर्कलोड मेरे ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं फिल्म के ऊपर उस वक्त ना ध्यान दूँ। लेकिन फिर जब यूरोप का पोर्शन शूट करने के लिए हम जाने लगे, तो उस वक्त फिर हमारी इस पर बात हुई कि उनको लगा कि मेरा फिल्म पर होना ज़रूरी है, और मुझे भी ऐसा लगा कि उनके ऊपर अकेले वहाँ पर इसका लोड ज़्यादा होगा। तो फिर मैं फिल्म पर इन्वॉल्व हुआ, और इन्वॉल्व मैं बहुत छोटी थोड़ी कैपेसिटी में होने वाला था, लेकिन होते होते
वो पूरी वहाँ के पूरा स्पेल जो है वो मैंने फिर देखा, और वहाँ के उसके फाइनेंसेस, शूट, प्रोडक्शन मीटिंग्स और सारी चीज़ें फिर मैं देख रहा था। तो वो एक बड़ा एक्सपीरियंस था। 50 डेज़ का हमारा स्पेल था वॉर्सॉ में, पोलैंड में हमने शूट किया। तो वो बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने का मौका मिला, फिल्म मेकिंग क्या है एक बेसिक आइडिया उसका मिला, और आई एम लकी के बाहर के एनवायरनमेंट में मिला जहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम होता है और ज़्यादा प्रोफेशनली काम होता है। तो वो जो मेरा शौक़ था वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फिल्म से पूरा हुआ। फिल्म का नाम है तीफा इन ट्रबल। अच्छा। और अली ज़फ़र और माया अली इसके अंदर लीड एक्टर्स हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग मज़े की कास्ट है। फैसल कुरैशी भी हैं इनमें, जिनका जिक्र भी किया, जावेद शेख साहब हैं, और कई बड़े, महमूद असलम साहब एक बड़ा अच्छा। टीवी का बड़ा नाम है, वो तो सब लोग फिल्म के अंदर हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग, इट्स एन एक्शन कॉमेडी। तो जब कंप्लीट, अब हम एडिटिंग के फेज़ में हैं, शूट हमारा कंप्लीट हो गया है, इंशाल्लाह जब भी आएगी तो वो बहुत मज़ेदार फिल्म होगी जो सबको पसंद आएगी। ज़बरदस्त। तो जनाब ये तो हमने सारी जो है जितने एक घंटे में बातें हो सकती थी, बातें तो और भी बहुत सी कर सकते हैं, मगर बिफोर आई लेट यू गो, विलिंग वेज का जो फेसबुक पेज है जी, उस पे आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी है, सीईओ भी आती है कि आप कोई टैलेंट जो है, सिंगिंग टैलेंट, म्यूज़िक टैलेंट और कोई ऐसी हमें यहाँ पे टैलेंट प्रोवाइड करें जिसको, और ख़ुद भी यू कैन मेक शॉर्ट फिल्म्स, ताकि हम अपना ये जो आजकल सोशल मीडिया इज़ द इन थिंग, डू यू टेक इंटरेस्ट इन सोशल मीडिया? अगेन बाई डिफ़ॉल्ट आई हैव टू, बिकॉज अब आजकल आप उससे दूर रह ही नहीं सकते, अगर आप वरना आप पीछे रह जाएंगे अगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो। तो जिन भी फील्ड में आप काम कर रहे होते हैं, जैसे अगर मैं म्यूज़िक की फील्ड में काम कर रहा हूँ तो मुझे उस पर अपडेटेड रहना चाहिए कि क्या चल रहा है आजकल। जैसे सोशल मीडिया के थ्रू ही आपके कोक स्टूडियो चल रहा है, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स चल रहा है, अब हर जगह मेरे आर्टिस्ट इन्वॉल्व हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि म्यूज़िक सीन क्या चल रहा है। इसी तरह मूवी मेकिंग में भी मुझे देखना पड़ता है कि कौन सी फिल्म आ रही है, कितना बिजनेस कर रही है, उसमें किस तरह के लोग थे, कैसा काम था। तो इस वजह से अब मुझे मूवीज़ देखने ज़्यादा मैं खुद जाता हूँ कि अच्छा यार ये भी देखता हूँ ज़रा कि ये कैसे बनी है। ऑटोमेटिकली इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू स्टे बिहाइंड तो फिर आपको इन सारी चीज़ों के साथ साथ चलना पड़ता है। इसलिए मुझे जो नई फिल्में आती हैं वो भी देखने जाता हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से, मोर लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं देखूँ कैसी बनी है ताकि मुझे इससे कुछ सीखने का मिले और मैं कोई इनपुट दे सकूँ अपना आगे के काम के ऊपर। तो बिल्कुल सोशल मीडिया के बगैर तो आप ऐसे लगेगा कि अगर आपको कुछ पता ही नहीं है आजकल, जैसे सब कुछ तो सोशल मीडिया पर चल रहा है, वॉइड हो जाएगा बिल्कुल। और कोशिश मेरी होती है कि पॉजिटिव सोशल मीडिया की तरफ ध्यान दूँ, हमारे नेगेटिव भी बहुत है सोशल मीडिया, लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स करते हैं हमारे यहाँ पे, कई लोग हैं जो बैठे ही सिर्फ इसलिए हुए हैं जो नेगेटिव कमेंट्स। आई थिंक क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव थोड़ा सा रहना चाहिए, बट क्योंकि वक्त बहुत है हमारे यहाँ पे लोगों के पास और सोशल मीडिया अब उनको मिल गया है और 3G का प्लान भी मिल गया है, तो इसलिए फिर वो जो भी दिल में आता है लिखते रहते हैं। तो बहुत सारा ट्रैश भी आपको देखने को मिलता है कमेंट्स के अंदर, जिसको फिर अवॉइड करना पड़ता है और ढूंढनी पड़ती हैं कंस्ट्रक्टिव चीज़ें। ये मैं लोगों से ज़रूर कहूँगा कि अगर कॉमेंट्स करने हैं तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव साइड पर रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। सो वेलकम टू विलिंग वेज फेसबुक पेज बाई योर सेल्फ एज वेल। Today you were present on this page yourself, and it was very good to you know have a tete-a-tete with you first hand. Mera khala ijazat le le. So thank you very much Taha, it was great to have you. Inshallah phir zarur to inshallah aapse mulaqat hoti rahegi, aur we wish you very best in all the endeavors that you are taking. Thank you. Aur movie ho, artist management ho, और हम ये भी तवक्को करेंगे कि जो आपके आर्टिस्ट हैं और ये जो मूवी मेकिंग का सारा तजुर्बा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विलिंग वेज फेसबुक पेज भी उससे फ़ायदा उठाए, और हम ये भी तवक्को रखेंगे कि इंशाल्लाह जो आपका वाइटल स्मार्ट्स के साथ काउंसलिंग का और ख़ास तौर पे कॉर्पोरेट काउंसलिंग और नॉन मेडिकल काउंसलिंग का तजुर्बा है उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा विलिंग वेज फ़ायदा उठाए। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इसके साथ ही मिस हिरा शाहिद को, डॉक्टर एजाज कुरैशी को इजाज़ दीजिए। दिस वाज एन इंटरव्यू विद द सीईओ ऑफ विलिंग वेज ताहा सदाकत। आई होप यू लाइक्ड इट। और आपके कमेंट्स में शामिल नहीं कर सका बिकॉज वी वर जो सो मच इमर्स्ड एंड एंग्रोस्ड इन द डिस्कशन, तो आज ये मुमकिन नहीं हुआ, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम
मंडे को विद वॉक यू टॉक हम दोबारा हाजिर होंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड कीप इन ट्यून टू विलिंग वेज फेसबुक पेज. अल्लाह हाफिज़.